पनीर टिक्का तो आपने ना जाने कितनी बार खाया होगा, लेकिन आज की जो मेरी रेसिपी है ना वो है पनीर टिक्का मसाला। वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल, जैसा आप होटल वगैरह में रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की आज मैं पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी बताऊंगी। तो मैं हूं निकिता त्यागी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मसालेदार मैजिक में। तो फ्रेंड्स, मैं रेसिपी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पनीर टिक्का मसाला बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें मैंने ये आधा कटोरी बेसन डाला है। आधा कटोरी बेसन के साथ इसमें आधा ही कटोरी मैंने दही डाल दी है, फ्रेश दही यहाँ पर यूज करी है मैंने, और साथ ही इसमें ये स्वाद के अनुसार मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी सी यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर ये मैंने कसूरी मेथी डाली है आधा चम्मच के करीब, और साथ ही आधा चम्मच यहाँ पर डाला है मैंने गरम मसाला, और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कढ़ाई पनीर का मसाला डाला है। अगर आपके पास ये ना हो तो बेशक आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन का एक चम्मच पेस्ट डाला है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, और अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और ये है चाट मसाला। अगर आप चाट मसाला ना डालना चाहें तो आप यहाँ पर आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो इस मिश्रण को अच्छे से यहाँ पर इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो बेसन में लम्स वगैरह है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक चम्मच के करीब पानी डाला है। अगर आपकी दही ज़्यादा पतली है तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरी यहाँ पर दही थोड़ी गाढ़ी थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसका एक स्मूथ सा घोल तैयार कर लिया है इस तरह से। तो चलिए अब मैंने यहाँ पर लिया है ये 200 ग्राम पनीर और इन्हें मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है और इस बैटर में डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर एक मैंने शिमला मिर्च को मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है, साथ ही एक टमाटर भी मैंने कट कर लिया है, और ये ली हैं कुछ मैंने प्याज जिन्हें मोटा मोटा काट कर इस तरह से अलग अलग कर लिया है, और इन्हें अब इसमें अच्छे से हमें मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो जो आपका पनीर है वो यहाँ पर टूट जाएगा या इस मिश्रण में ही बिल्कुल घुल जाएगा। तो इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें आप इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये सभी मिक्स हो गए हैं, तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल बहुत तेज गर्म कर लिया है ताकि उसके कच्चेपन की महक निकल जाए, और उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद अपना पनीर का जो ये मसाला है हमारा, ये पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, इन सभी को इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप बेशक इसे दो बार में इस तरह से फ्राई कर लें, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार में फ्राई हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे पनीर को इसमें ऐड कर दिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए हम यहाँ पर भून लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर इसे भून लेना है इस तरह से। लेकिन फिर से एक बात बता दूँ कि आपको इसे बहुत हल्के हल्के हाथों से ही चलाना है, नहीं तो आपका पनीर जो है ना वो बिल्कुल यहाँ पर टूट जाएगा, यानी बैटर में घुल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हमारा पनीर भून कर तैयार हो गया है। तो चलिए गैस को यहाँ पर बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह से। इसे सभी को मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी, और प्लेट में निकाल लेने के बाद मैंने कढ़ाई को फिर से साफ़ करके उसमें तेल गरम कर लिया है। मैं फिर से यहाँ पर सरसों का ही तेल ले रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा ऐड कर दिया है। और जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें डाल रही हूँ मैं ये दो बारीक कटी हुई प्याज, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को कट किया है और इस तरह से इसमें ऐड कर दिया है, और अब इसे अच्छा सा भून लेंगे हम। तो प्याज जो है हमारी यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गई है, तो इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ आधा चम्मच, और इसे भी मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो प्याज हमारी यहाँ पर लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब मैं इसमें एक टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ। इस तरह से प्यूरी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें डालूंगी मैं स्वाद के अनुसार नमक ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर नमक डालें, लेकिन ध्यान रहे कि नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि हमने जो पनीर फ्राई करा है उसमें भी नमक डाला था। और साथ ही इसमें थोड़ी सी यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड कर दूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च से ना कलर काफ़ी अच्छा आता है, और उसे तेल में डालने से तो कलर एकदम से निकल के आता है। और इसे इस तरह से हम थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे, और जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब डालूंगी मैं इसमें पानी।
तो यहाँ मैं एक गिलास पानी ले रही हूँ, लेकिन सारा नहीं डालूंगी। तो देख लेते हैं चलाकर इस तरह से। तो यहाँ मैंने एक तिहाई गिलास पानी ऐड करा है और एक चौथाई गिलास यहाँ पर मैंने पानी बचा दिया है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे और इसे उबाल आने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ हमारा ग्रेवी में उबाल आ गया है, तो इसे चला देते हैं एक बार। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मंदा करके इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट पका लेंगे। और जब हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी तब इसमें ऐड करेंगे हम अपने ये पनीर के टुकड़े, पनीर, शिमला मिर्च, प्याज जो हमने भून के रखी हुई हैं, इन सभी को इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो पनीर टिक्का मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, थोड़ा ऐसे ही सूखा सूखा होता है। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे बहुत लो फ्लेम पर पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा इसे 2 मिनट ही पकाना है। और इस तरह से इसमें उबाल आ गया है, तो इसे हल्के हल्के हाथों से चला देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही पका लेते हैं, बस आधा मिनट के लिए। और इस तरह से हमने इसे फिर से एक बार चला दिया है। और चला देने के बाद इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया डाल देती हूँ इस तरह से। और हरा धनिया डालने के बाद फिर से इसे एक बार मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो ऑलमोस्ट हमारा पनीर टिक्का मसाला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर कर देती हूँ मैं बंद इस तरह से, और हमारा पनीर टिक्का मसाला एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर यहाँ पर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं पास से कि कितना लाजवाब लग रहा है हमारा ये पनीर टिक्का मसाला। आप इसे रोटी, पराठे या चावलों के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए, कोई बता नहीं पाएगा कि आपने इस पनीर टिक्का मसाला को घर पर ही बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।